दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 18 और 28 दिसंबर को वोटिंग, 20 और 30 को रिजल्ट। जब देखिए बिहार में नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को नए सिरे से कराने को लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। वहीं देखिए बुधवार को जारी निर्देश के तहत सुबह में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में सम्पन्न होगी। 18 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा और 20 दिसंबर को मतगणना होगी। वहीं इसके बाद 28 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग और 30 दिसंबर को काउंटिंग होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के सभी नगर निकायों में पहले अक्टूबर 2022 में चुनाव होने थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को वोटिंग का कार्यक्रम भी तय कर लिया था, मगर पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी और ईबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ करार दिया था। इस कारण इलेक्शन कमीशन ने निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की समीक्षा के लिए आयोग बनाया। आयोग ने विभिन्न शहरी निकायों में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जल्द इसे सरकार को सौंप जाएगी। तो वहीं इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। सभी जिलाधिकारियों को तारीख बताकर तैयार रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार पुलिस में जल्द ड्राइवर के पदों पर होगी बहाली, गृह विभाग ने मांगा प्रस्ताव। यह देखिए बिहार पुलिस में जल्द सभी श्रेणी के वाहन चालकों यानी ड्राइवर की भर्ती होगी। गृह विभाग ने चालक, सिपाही, वायरलेस चालक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के चालक के पदों की नियुक्ति को लेकर पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मांगा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश भी दे दिया गया है। मुख्यालय को ड्राइवर के नियुक्ति के पद के सृजन और रोस्टर की कार्रवाई पूरी करने को भी कहा गया है। बड़ी खबर में देखिए, लालू के नाम पर नीतीश के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं तेजस्वी, कहा पिताजी मांगेंगे हिसाब, इसीलिए जिताए चुनाव। जब देखिए बिहार में आगामी 5 दिसंबर को कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इसको लेकर अब अंतिम समय में सभी राजनीतिक दलों के कदावार नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और इसी कड़ी में कल महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए मत मांगने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कुढ़नी पहुंचे थे और वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ी बात कर डाली। बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले चुनाव में यहां की जनता ने राजद को मत देकर यह बता दिया था कि उनको हमारे ऊपर कितना भरोसा है, अब यही भरोसा उनको महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ भी दिखाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुढ़नी में भाजपा की बी टीम घूम रही है, उससे यहां की जनता को पूछना चाहिए कि आप किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए बिहार को बचाने के लिए हम पर यहां की जनता को भरोसा वापस से करें और हम एक बार फिर से उनके भरोसे पर खड़े उतरेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हम वापस से 2 तारीख को आखिर प्रचार करने आएंगे, इसके बाद सिंगापुर पापा का इलाज करवाने 3 तारीख को जाएंगे, लेकिन हम आप लोगों के भरोसे निश्चित होकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन होने के बाद लालू जी को होश आएगा तो हम सबसे सवाल पूछेंगे कि बेटा कुढ़नी का क्या हुआ, तो आप लोग इसलिए उनके बेहतर इलाज और स्वास्थ्य के लिए महागठबंधन को अपना मत दे। बड़ी खबर में देखिए, पहली बार अग्निवीर भर्ती के लिए दौड़ लगाएगी महिला सैनिक अभ्यर्थी, 1 दिसंबर से दानापुर में शुरू होगी बहाली। जब देखिए सेना में बहाली को लेकर केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई योजना अग्निवीर योजना के तहत बिहार के कई जिलों में चयन प्रक्रिया लागू है। इसी कड़ी में अब राजधानी पटना में भी आज यानी 1 दिसंबर से यह प्रक्रिया शुरू होने वाला है। सेना भर्ती के लिए बहाली दौड़ 1 दिसंबर से शुरू हो रही है, यह बहाली आगामी 13 दिसंबर तक चलेगी। वहीं देखिए जानकारी के अनुसार बिहार के राजधानी पटना में शुरू होने वाले इस भर्ती अभियान 7 जिलों की अभ्यर्थी दौड़ लगाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि 14 दिसंबर को पहली बार अग्निवीर महिला सैनिक जीडी पद के लिए बिहार व झारखंड के महिला सैनिक दौड़ में भाग लेगी। इस भर्ती में 7 जिले की 82,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बड़ी खबर में देखिए, सीबीएसई का बड़ा निर्णय, अब 3 साल तक के बच्चों को ही नर्सरी में होगा एडमिशन। जब देखिए सीबीएसई अब अपने से संबंधित सभी स्कूलों में नर्सरी में बच्चों का नामांकन लेने की नियमावली में बदलाव की तैयारी में है। अब नई सत्र 2024 में नर्सरी नामांकन प्रक्रिया को बदल दिया जाएगा। इसके तहत अब नर्सरी में 3 साल तक के बच्चों का ही नामांकन होगा, उससे अधिक आयु के बच्चों का नामांकन नर्सरी में नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में अधिकतर सीबीएसई स्कूल में 3.5 साल से 4.5 साल वर्ष तक की उम्र सीमा वाले बच्चों
का नामांकन नर्सरी में होता है, लेकिन अब 2024 में इसमें बदलाव किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यह बदलाव CBSE स्कूलों में करने की तैयारी है। साथ ही आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत अब CBSE स्कूलों में कक्षाओं को 4 भाग में संचालित होगी। पहली नर्सरी से कक्षा 2 तक रहेगा, वहीं द्वितीय स्टेज में कक्षा 3 से 5वीं कक्षा तक रहेगा। इसमें बच्चे की उम्र 8 से 11 वर्ष तक होगी। तृतीय स्टेज में 6ठी से 8वीं तक होगा, वहीं चौथे स्टेज में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं होगी। बोर्ड की माने तो अभी 10वीं और 12वीं दोनों ही बोर्ड होगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 8000 शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार, सरकार देगी आखिरी मौका। यह देखिए, बिहार में सरकारी स्कूल के कारनामे लगातार सामने आती है। खासकर नियोजित शिक्षकों की योग्यता को लेकर हमेशा बवाल होता है। वे वही शिक्षक है जो क्लासरूम में या तो खर्राटा मारते पकड़े जाते हैं या फिर जांच करने आए अधिकारियों के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन अब इनके नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। राज्य के ऐसे 8000 शिक्षक शामिल है जिन्हें खुद को साबित करने के लिए सरकार लास्ट चांस देने जा रही है। आपको बता दें कि इन्हें सभी 8000 शिक्षकों से शिक्षक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। इस एग्जाम के आधार पर ही उनकी नौकरी पर फैसला लिया जाएगा। अगर वे परीक्षा को पास कर लेते हैं तो वे अपनी नौकरी कर सकेंगे, लेकिन परीक्षा क्वालिफाई नहीं करने वाले शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। 3000 शिक्षकों से पहले ही परीक्षा ली जा चुकी है, लेकिन ये सभी फेल हो गए हैं। 5000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने दक्षता परीक्षा से दूरी बना ली है, यानी 5000 शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। बड़ी खबर में देखिए, राज्यों में फिर से बालू का संकट पैदा होगा, सरकार का अलर्ट मैसेज, अगले महीने रुकेगा खनन। या देखिए, बिहार में अगले महीने एक बार फिर से बालू का संकट पैदा होने जा रहा है। बिहार में बालू का खनन अगले महीने 25 दिसंबर के बाद नहीं होगा। बालू खनन पर रोक हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के तहत लगाई जा रही है और इसे लेकर राज्य सरकार ने अलर्ट मैसेज भी जारी कर दिया गया है। भाई देखिए, अलर्ट मैसेज प्राइवेट बिल्डर्स और आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि सरकार ने अपने अलग अलग विभागों को संदेश भेजा है कि अगले महीने बालू खनन का काम बिहार में बंद हो जाएगा। बिहार में 26 दिसंबर के बाद बालू खनन पर रोक से जुड़ी जानकारी राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग की तरफ से दी गई है। पाठ्यक्रम में देखिए, बिहार के छात्रों को मोबाइल पर मिलेगी किताबें, वीडियो देखकर परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे विद्यार्थी। जी हां देखिए, बिहार के छात्र अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सके इसके लिए राज्य सरकार द्वारा ई लर्न्स ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र अपने सिलेबस से जुड़ी किताबें एवं अन्य पाठ्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी तक इस ऐप से मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारी करने वाले 15 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में प्रति वर्ष लगभग 30 लाख छात्र बोर्ड परीक्षा देते हैं। ऐसे में ई लर्न्स ऐप छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारी में काफी मददगार साबित हो सकता है। बाढ़कर में देखिए, अब राज्य में घर घर जाकर होगा मजदूरों का निबंधन। या देखिए, श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि भवन निर्माण से जुड़े कामगारों का निबंधन डोर टू डोर जाकर करें। वहीं उन्होंने कहा कि मकान मरम्मत में जिन निबंधन श्रमिकों के पास जमीन नहीं है, रसीद नहीं है, वहां वंशावली के माध्यम से उन्हें राशि दी जाए। वहीं देखिए, श्रम अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि भवन निर्माण कामगार मजदूर का निबंधन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी खुद करे। शेष के मामले कहा कि श्रम संसाधन विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाया जाए आवश्यक है, अन्यथा उसे अवैध माना जाएगा। यदि 1% की राशि शेष के रूप में निर्माणकर्ता भुगतान नहीं करते हैं तो 1% जुर्माना जोड़कर राशि वसूल की जाएगी। साथ ही पैसा नहीं देने पर केस दायर किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा सभी राज्यों को एक दर पर बिजली दे केंद्र सरकार। जहाँ देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी राज्यों को एक दर पर बिजली मिलनी चाहिए। हम लोग महंगी बिजली खरीदते हैं और उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर देते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित राज्यों से अधिक कीमत पर बिहार को बिजली मिलती है, कई गुना का अंतर है। एक देश एक दर की हम लोगों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जरा सभी पूरे देश की चिंता है और वो समझ रही है कि पूरा देश एक है, विकास पूरा देश का होना है। अगर नागरिक के कल्याण के लिए काम करना है तो अलग अलग दर क्यों रखे हुए हैं, सारा काम तो केंद्र का है, वहीं से सबको बिजली दी जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को ऊर्जा ऑडिटोरियम में बिजली की 15,871 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को रिमोट के द्वारा शिलान्यास उद्घाटन लोकार्पण के मौके पर अपनी बात रखी। देखिए, नीतीश कैबिनेट के 31 बड़े फैसले पर लगाई मुहर, जानिए आम आदमी को क्या कुछ मिला। याद देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को पटना में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 31 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई। खबर के मुताबिक कैबिनेट बैठक में सेविका चयन मार्गदर्शिका 2022 को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 15 दिसंबर को राज्य के समारोह के रूप में मनाई जाएगी। इसके अलावा उद्योग विभाग के तहत संजीवन राइस
राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय स्वीकृति दी गई है। वही समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 की स्वीकृति मिली है, यानी कि सेविका को इंटर पास और सहायिका के लिए मैट्रिक पास योग्यता रखी गई है। अब सेविका की बहाली जिला स्तर पर होगी। वहीं सेविका की बहाली में स्थानीय वार्ड का निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। बाड़ीघर में देखिए, ताड़ी शराब बेचने वालों को 1,00,000 रुपए देगी राज्य सरकार। कैबिनेट की बैठक में हो गया फैसला। जहाँ देखिए, बिहार में शराब पीने और बेचने के आरोप में 4,50,000 लोगों को जेल भेजने के बाद नीतीश कुमार नया स्कीम लेकर आ गए हैं। शराब बंदी वाले राज्य में शराब और ताड़ी बेच रहे लोगों को 1,00,000 रुपए देने का फैसला लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। सरकार ने कहा कि सतत जीविका पोर्जन योजना के तहत वैसे परिवारों को 1,00,000 रुपए की मदद दी जाएगी जो देसी शराब या ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में लगे। साथ ही राज्य सरकार शराब ताड़े के उत्पादन और बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन और अनुसूचित जाति जनजाति परिवार को 1,00,000 रुपए देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना में 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के मौके पर नीतीश कुमार ने ऐलान किया था। उस दिन नीतीश कुमार ने कहा था कि असली धंधेबाज बाहर कहां निकलते हैं, वह तो गरीब गुरबा को बाहर भेजकर शराब बेचवाता है। गरीब गुरबा लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। नीतीश ने कहा था कि हम नई योजना बनाने जा रहे हैं, जो शराब बेच रहे हैं या ताड़ी बेच रहे हैं उनके लिए सरकार नया स्कीम ला रही है और कल कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बाड़ीघर में देखिए, बिहार में 20 एक्सप्रेस और 14 पैसेंजर ट्रेनें रद्द। वैशाली और कैपिटल एक्सप्रेस समेत 25 ट्रेनें डायवर्ट। 2 से 8 दिसंबर तक बरौनी जंक्शन पर होगा काम। जहाँ देखिए, बिहार के सोनपुर मंडल में रेल परिचालन में बड़ा फेरबदल किया गया है। यह बदलाव आने वाले 2 से 8 दिसंबर 2022 तक के लिए होगा। इसके अनुसार 20 मेल एक्सप्रेस व 14 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ में 25 विभिन्न ट्रेनों का रास्ता भी बदल दिया गया है। जिन ट्रेनों का रद्द किया गया उसमें बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस, भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, पटना कटिहार एक्सप्रेस, सहरसा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, बरौनी नई दिल्ली स्पेशल, हटिया पूर्णिया कोड एक्सप्रेस, पटना जयनगर एक्सप्रेस, हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस, वहीं सहरसा पटना एक्सप्रेस और पटना सहरसा एक्सप्रेस शामिल है। इसके अलावा जिन पैसेंजर को रद्द किया गया उसमें बरौनी समस्तीपुर बरौनी डेमू स्पेशल, वहीं कटिहार समस्तीपुर मेमू स्पेशल, कटिहार बरौनी मेमू स्पेशल, समस्तीपुर बरौनी मेमू स्पेशल, बरौनी पटना मेमू स्पेशल, बरौनी पाटलिपुत्र मेमू स्पेशल और दानापुर बरौनी मेमू स्पेशल शामिल है। देखिए, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल व पर्यटन स्थलों से बैरिया ISBT के लिए चलेगी सरकारी बसें। यहाँ देखिए, शहर के सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल व पर्यटन स्थलों से पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बैरिया के लिए सरकारी बसें चलेगी। इनमें पटना एयरपोर्ट, पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन, पाटलिपुत्र जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल शामिल है। सोमवार को DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बस टर्मिनल की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। परिवहन निगम को इस संबंध में निर्देश भी दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।